एक बार फिर से आपको WRG का 1500 शॉर्ट्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा जिस पर 1.7 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ऐसे शॉर्ट्स इजीली क्रिएट कर पाओगे, बस आप वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले आप इसका देख लो प्रीव्यू, फिर एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। आपको सबसे पहले फ्री फायर के अंदर आ जाना, अपने फ्रेंड को बुला लेना जिसके साथ आप वीडियो बनाने वाले हैं, फिर क्राफ्ट फ्रेंड वाले ऑप्शन में आकर कोड को सर्च कर लेना, जो कोड आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपके सामने आ जाएगा मैप, उस मैप को कर देना फटाफट स्टार्ट। और स्टार्ट करते ही आपको यहाँ पर काउंटिंग चलेगी, तो काउंटिंग जैसी खत्म होती है उसके बाद आपको सॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। उस सॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बूट पैकर जो से भी आपको गन लेनी हो, मैं तो बूट पैकर लूंगा, डबल बूट पैकर। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके और आना है, और इस वाली गन को आपको फ्रेंड को कह देना लेने के लिए, क्योंकि इससे ही वो उड़ के छत के ऊपर जाने वाला है। और फिर आपको क्या करेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड क्या होने वाला वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते और मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन रहता है, इसलिए आपको वीडियो को एंड में पासवर्ड बता दूंगा, दिक्कत मत लेना। और फिर उसके बाद करना, पासवर्ड डालने के बाद दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन इस पे बाइक लिखा होगा उस पे क्लिक करते ही फास्टेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके राइट कर देना, देन आपके सामने बाइक आ जाएगी। और फिर उसके बाद दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो यहाँ पर आपको 5 बंडल्स कोई से भी पहन सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे बंडल है। तो इसे पहनने के बाद अपने फ्रेंड को बाइक पर बैठा के फटाफट इस लोकेशन पर आ जाना, देन जिस तरीके से मैं करूँगा उसी तरीके से आपको भी करना। आपको अपने फ्रेंड को कहना पीछे जाके बाइक ले खड़े हो जाए, और फिर जैसे आप रनिंग करते हो आगे जाओगे, आपका फ्रेंड भी यहाँ पर बाइक लेके तेजी से आगे आएगा और फिर उतर के ऊपर पहुंच जाएगा। आपको फायर करना जिस तरीके से मैं फायर कर रहा हूँ, और फिर आपको सामने के नेट फेंक देना है, और नेट फेंकने के बाद यहाँ पर खड़े होकर इमोटी मार सकते हो, फिर ऐसे खड़े भी रह सकते हो। देन उसके बाद इस तरीके से कुछ चढ़ जाना, आपको चढ़ने में प्रॉब्लम भी हो सकती है इस पहाड़ के ऊपर, तो दिक्कत मत लेना। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से चढ़ जाना और अपने फ्रेंड को कहना खड़े हो जाना, और फिर इस तरीके से वन टैप मार के एक बार जंप लगा देना इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। अब बाकी की एडिटिंग हम करने वाले हैं कैपकट के अंदर, तो रिकॉर्डर ऑफ करके फटाफट आ जाओ कैपकट के अंदर। तो कैपकट के अंदर सबसे पहले अपनी क्लिप को ऐड कर लेना, जो भी हमने रिकॉर्ड किया अभी, उस क्लिप को ऐड करने के बाद करना है आपको आगे जो पीछे का बेकार पार्ट है उसे डिलीट कर देना। मेरा क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो जहाँ से रनिंग कर रहा है करेक्टर, और खत्म जैसे मेरा करेक्टर हेडशॉट मार देता है उसके बाद क्लिप खत्म हो जाती है। तो इतना पार्ट आपको भी रखना है, और फिर उसके बाद नीचे रेशियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले 9.60 रेशियो सेलेक्ट कर लेना, देन अपनी वीडियो को जूम कर लेना जितना मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर आप नेट फेंकते हो तो 3 सेकंड के बाद यहाँ पर पत्थर आता है, जो भी पहाड़ आता है 3 सेकंड के बाद। तो क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ थोड़ा सा आगे रनिंग करता हूँ वहाँ पर आपको एक कटआउट मारना है, मैंने आपको कहा था खड़े भी हो सकते हो, इमोटी मार सकते हो। तो कटआउट मार के दोबारा से देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, और तब उसके बाद पहाड़ यहाँ पर आता है। तो क्या करूँगा, जस्ट पहाड़ आने से पहले कटआउट मारूंगा, और जो पीछे वाली क्लिप है एक्स्ट्रा क्लिप उसको कर देना डिलीट, और दिक्कत की बात बंद लेना, कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छी तरीके से क्लिप एकदम मैच हो जाएगी। फिर उसके बाद आप पहाड़ पे चढ़ने के लिए जाते हो, और पहाड़ पे पहली बार में नहीं चढ़ पाते हो लेकिन उसके दूसरी बार में आप चढ़ जाते हो। तो क्या करना, जब पहली बार आप जंप करते हो ना तो वहाँ पर एक कटआउट मार देना, और फिर उसके बाद जब दूसरी बार आप चढ़ने वाले होते हो तो उस टाइम भी आप एक जंप करते हो तो वहाँ पर एक और कटआउट मार के पीछे वाली क्लिप कर देना डिलीट, जिससे आप पहले ही जंप में इजिली चढ़ पाओगे पहाड़ पे। फिर उसके बाद आप ऊपर पहुंच जाते हो, और ऊपर पहुंचते ही जब खड़े होते हो हल्का सा, तो वहीं पर क्या करना है आपको एक और कटआउट मारना है, और पीछे वाली क्लिप पर क्लिक करके उसकी स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे। तो स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, 1.2x करके राइट कर देना, देन इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर आप हेडशॉट मारते हो ना तो उसके जस्ट पहले कटआउट मार देना जब आप सीधे खड़े हो, क्योंकि यहाँ पर खड़े होने वाला पार्ट कुछ ज्यादा ही है, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा फटाफट। और फिर उसके बाद आप जैसे हेडशॉट मार के जंप करते हो तो जंप करने के बाद आपका फेस पूरा दिख रहा होता है करेक्टर का पूरा शरीर इस साइड की ओर, तो वहीं पर आपको एक कटआउट मारना है, और आगे वाला जो भी बेकार पार्ट है उसे कर देंगे डिलीट। देन इस क्लिप पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना, एक फ्रिज का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही जैसे इसके आगे किसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो हमें जितना भी कटआउट मारना था, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना था, वो सारा काम हो चुका है। अब इसमें हम एडजस्टमेंट, इफेक्ट, एनिमेशन, ये सारी चीजें लगाने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। वीडियो की शुरुआत में आना, अपनी क्लिप पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना, एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके फटाफट जो जो एडजस्टमेंट मैं करूंगा उसे कर लेना। तो ब्राइटनेस को कर देना 10, कॉन्ट्रास्ट को कर देना आपको 15, और शार्पन को कर देना 30, एक्सपोजर को कर देना -15, और उसके बाद शार्पन को पूरा हाई, देन उसके आगे आना हाईलाइट को कर देना आपको +10, और शैडो कर देना -10। नीचे अप्लाई ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही सारी क्लिप पर ऑटोमेटिक एक साथ
ये एडजस्टमेंट अप्लाई हो जाएगा। देन राइट करके दोबारा से नीचे स्क्रॉल करके एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शार्पन कर देना 60 इंक्रीज, देन इसे पूरी वीडियो में फैला देना इस लेयर्स को। अब वीडियो के एंड में आ जाना, जो हमने स्क्रीनशॉट लगाया था लास्ट ऑफ फ्रीज करके, तो वहां वाले कटआउट वाले ऑप्शन पे आ जाना। देन वहीं से आपको ऐड ओवरले पहले ऑप्शन पे क्लिक करके एक ट्रोल फेस को ऐड कर देना है। मटेरियल के अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दिक्कत मत लेना। और स्टोर फेस को अपने कैरेक्टर के ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना, जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और जो ये हमारा स्क्रीनशॉट है उसका आधा पार्ट कर देना क्रॉप इस तरीके से, और ट्रोल फेस वाले को भी कर देना क्रॉप। देन इस क्लिप पर क्लिक करके नीचे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर आप एनिमेशन ढूंढ लेना क्रॉस शेक वाला एनिमेशन, और उसको सिलेक्ट करके 0.4 सेकंड करके राइट कर देना। अब हम लगाने वाले हैं एक इफेक्ट, तो एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना। वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके ट्रेंडिंग में आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा ब्लैक फ्लैश 2 नाम का, नाम मिले तो सर्च कर लेना उसे, और उस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को लगा देना। देन ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देना, और फिर उसके बाद इसके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में आना। जितना मैं एडजस्टमेंट करूँगा उतना ही आपको करना है। तो स्पीड को कर देना 90, इंटेंसिटी को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज करेंगे। तो इसे शुरुआत में कर देना 100। साइज को क्या करना, कहीं साइज को आप कर देना 0, और देन लास्ट वाला उसे आप कर देना 17। और स्पीड को थोड़ा सा मैं और कम करके इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा और कम करूंगा 80 रखूंगा। तो ये वाला एडजस्टमेंट आप अप्लाई कर देना। देन वीडियो के शुरुआत में आना, ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैक पेपर को एक ऐड कर लेना। देन पूरी वीडियो में फैला देना इसे, और फिर करना इसे 1 सेकंड तक क्रॉप कर देना, जितना मैं रख रहा हूँ उतना ही आपको रखना है। और एक लास्ट में की फ्रेम भी लगाना, एक शुरुआत में की फ्रेम भी लगाना। लास्ट वाली की फ्रेम पर अपने लाइन को ले आना, देन ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लेंड को बिल्कुल 0 कर देना, और फिर शुरुआत वाले की फ्रेमिंग पे जाना, देन ब्लेंड को पूरा हाई कर देना, देन उसके बाद कर देना राइट। अब थोड़ा सा आगे आ जाना, और फिर उसके बाद ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन इसका एक मेन म्यूजिक को ऐड कर लेना, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर उसके बाद देखना ग्राफ एकदम डाउन होगा, फिर उसके बाद एकदम से हाई हो जाएगा लास्ट में। तो जब ये हाई वाला ग्राफ है ना, वहां पर आपको ये आना चाहिए, जहां पर जैसे आप हेडशॉट मार देते हो फिर उसके बाद ट्रोल फेस वाला सीन आता है ना, तो ये जस्ट वहीं पर इसे अप्लाई कर देना, लगा लेना अच्छे तरीके से। और उसके थोड़ा सा पीछे कट मारना, और इसके वॉल्यूम को आप हाई कर देना, देन पीछे वाले भी ऑडियो को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, देन कर देना राइट। आपका वीडियो बनकर पूरा रेडी है। फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले आप इसे कैसे डाउनलोड करोगे सारा मटेरियल, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पहुंच जाओगे। हल्का सा नीचे करोगे तो सारा मटेरियल आपको शो कर जाएगा। इसे फटाफट डाउनलोड करके शॉर्ट क्रिएट करो, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को इस वीडियो को अपलोड करना और मुझे टैग करना। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल सर जरूर से कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके प्यार सा कमेंट जरूर कर देना। देन देख लो फाइनल रिजल्ट।